और सुनने में आया है कि पूरे चंपारण में मतलब ये मशहूर है कबाब को लेकर के, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो है बेतिया शहर वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद है। अर्ज किया है जी इरशाद, भूख से हो गया हालत खराब, इसलिए आए हम लोग खाने कबाब। आए हैं, वाह वाह वाह, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ चंपारण में मिलेगा आपको। कहाँ से आए आप? गोपालगंज से। ये गोपालगंज से खाने के लिए आए? तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बनौरा, जो पश्चिम चंपारण जिला शहर बेतिया से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। और यहाँ बहुत ही मतलब मशहूर है ये बनौरा जो है, ये जगह इस चीज के लिए, कबाब के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं और बात करते हैं जो भैया हैं उनसे। क्या नाम है भैया आपका? जी आसमान। कैसे सीख मिलता है यहाँ पे? 650 रुपये किलो है। और सीख कैसे है? 325 रुपये का आधा किलो है। और इसको कैसे बनाते हैं आप लोग? नमक तेल डाल करके। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पटना मुजफ्फरपुर और नेपाल से भी लोग आते हैं। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। और ये चंपारण में मतलब ये कबाब के लिए बहुत फेमस है। आपको पूर्वी और पश्चिम चंपारण में ऐसा कबाब कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मिलता है। और देख रहे हैं यहाँ पर जो जनता लोग आए हुए हैं खाने के लिए। और कहाँ से आए आप? गोपालगंज से। ये गोपालगंज से खाने के लिए आए, तो क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बहुत बढ़िया है। ये वकील साहब है, ये भी गोपालगंज से आप कबाब खाने आए हैं। तो कैसा लगता है यहाँ का कबाब? बहुत अच्छा है। अच्छा, पश्चिम चंपारण में, पूरे पश्चिम चंपारण में या चंपारण में पूरा फेमस है जो जगह है बनौरा? नहीं, चंपारण में नहीं, गोपालगंज, छपरा, सिवान के लोग भी आते हैं खाने के लिए। और पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण से भी लोग यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं। आप भी खाइए जी, पश्चिम खाइए। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? आप भी गोपालगंज से आए हैं भैया? कबाब सीखने में कितना टाइम लग जाता है? एक मतलब कितना देर में बनता है? 45 मिनट। और भाई पीछे से आ गए, क्या पूछना चाहते हैं इनसे आप? हम तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, हम हमेशा आते हैं खाने। आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। और कोई नंबर है आपका जैसे पता चल जाए, या पहले से पब्लिक कुछ भी? नंबर है, बोलिएगा नंबर। 88098 38488। तो ये नंबर है, इस नंबर से कॉल करके आप पता कर सकते हैं और ऑर्डर वॉर्डर दे सकते हैं, आकर के खा सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। नाम क्या हुआ? आस मोहम्मद भाई है। बहुत बढ़िया कबाब खिलाते हैं। और ये हम लोग का बन रहा है, कितना देर में बन जाएगा? कितना देर? बस के बोलिए ना, 30 मिनट लगेगा। और आप कौन है भाई जान? हम पशु बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बताना चाहेंगे ये बनौरा के बारे में? यहाँ कबाब का मशहूर दुकान है। अच्छा, यहाँ बनता है। और कबाब का जो ये जो जगह है, ये जिला पश्चिम चंपारण शहर बेतिया से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर ये जगह स्थित है बनौरा। और सुनने में आया है कि पूरे चंपारण में मतलब ये मशहूर है कबाब को लेकर के, पूरे चंपारण में। अभी इधर भैया जो बैठे हैं उधर वो गोपालगंज से आए हुए हैं, सिवान से भी लोग आते हैं, बेतिया से तो बराबर लोग आते ही होंगे, मोतिहारी, पटना से भी लोग, सुने कि विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल वाले हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं बनौरा में कबाब खाने के लिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम। तो इनको तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे व्लॉग में हैं मेरे भाई साहब। और जो बगल में है ये जो है बेतिया शहर वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद हैं। तो वार्ड पार्षद जी से हम बात करते हैं जी। इनका नाम हुआ दीपेंद्र कुमार और प्यार से लोग इन्हें दीपू कहते हैं। तो दीपू जी तो आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? अभी छुट्टियाँ होती है, कोई नए दोस्त आते हैं बाहर से, कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं, तो घूमने फिराने के मूड में हम लोग बनौरा आते हैं। चंपारण का फेमस यहाँ की कबाब फेमस, ऐसे कबाब शायद ही कहीं मिलता हो लेकिन फेमस नहीं है, तो हम लोग हमेशा आते रहते हैं। आपसे भी कहेंगे कि कभी समय मिले तो बनौरा जरूर आइए ट्राई कीजिए।
फाइनली कबाब आ गया है और भैया कुछ बोलना चाहेंगे? अर्ज किया है जी। इरशाद, भूख से हो गया हालत खराब। इसलिए आए हम लोग खाने कबाब। आए हैं, वाह 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 वाह। और एक बात हम बताना चाहेंगे, पिछली बार जब हम कबाब खाने के लिए आए थे तो बहुत तेज खा रहे थे और उसके चलते मेरा क्या हुआ सब बता दीजिए। दांत टूट गया मेरा, दांत साइड से थोड़ा सा टूट गया था। तो आप जब भी आए तो धीरे धीरे इत्मीनान से खाए, हड़बड़ा कर खाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो कबाब खाते हैं। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, चूरा लाई और साथ में कबाब, मिर्चा, प्याज। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ चंपारण में मिलेगा आपको और मजा आ जाएगा मतलब। और अब हम जा रहे हैं खाने, प्लीज नो डिस्टर्बेंस। तो हम लोगों ने कबाब फिनिश कर दिया, 3 सीख था, हाफ हाफ केजी का एक एक सीख था, यानी हम लोग 3 लोगों ने 1.5 केजी के करीब में कबाब खाया, मतलब 1.5 केजी 3 आदमी खाया। भाई जा रहे हैं पैसा पेमेंट करने के लिए, कितना हुआ कितना नहीं। चलिए, कितना हो गया भैया? रो रहे हैं क्या? जोर के बता रहे, जोर के 1000। चलो चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद।